भारतीय टीम का आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया गया है। साथ ही 4 खिलाड़ियों को स्टैंडबाय में भी रखा गया है। आपको बता दें कि T20 विश्व कप 2022 की शुरुआत 16 अक्टूबर से क्वालिफायर राउंड के साथ हो रही है। वहीं टीम इंडिया को 17 अक्टूबर को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है। ऐसे में ICC का एक नियम आता है जिसके मुताबिक अभी भी भारत का 15 सदस्यीय मेन स्क्वाड बदला जा सकता है। जी हाँ, अगर मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज में अच्छा करते हैं तो उन्हें विश्व कप की मेन टीम में जगह दी जा सकती है। दरअसल नियमानुसार सभी टीमें टूर्नामेंट शुरू होने से एक हफ्ते पहले तक अपने मेन स्क्वाड को रिजर्व खिलाड़ियों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके तहत बहुत बड़ी संभावना है कि मोहम्मद शमी, जो 140 की रफ्तार से अच्छे बाउंस के साथ ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर गेंदबाजी करने का दमखम रखते हैं, उन्हें टीम में लिया जा सकता है। लेकिन यह सब उनके अगली 2 सीरीज के 6 मैचों में निर्भर करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी को T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।